चैनल ट्रेनी व्लॉग माय नेम इज मेराथक एंड आई एम एन एस्पिरेंट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो गाइस कैसे हो सब लोग। आज है 2 जनवरी एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन। क्या बताऊँ, मतलब 1 तारीख तो वीडियो नहीं आ पाया, सो 2 तारीख ही मैं एपिसोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं 1 तारीख नहीं था। मैं आगे बात कर लूँगा गाइस। अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे एंड पीछे देख सकते हो मैं कुछ भी ठीक ठाक नहीं किया हूँ, मतलब अभी भी ऐसे ही है, सबके उठने के बाद जैसा रहता है। तो जल्दी जल्दी सब कर लूँगा, मतलब ठीक ठाक, देन उसके बाद स्टार्ट करूँगा। मेरा 2 दिन का बैकलॉग पड़ चुका है एंड मतलब क्या बताऊँ, मैं गया था एक फैमिली टूर पे। मैं आप लोग को पिछले वीडियो पे बताया था कि मेरा एक प्लान है जाने का, लेकिन मतलब मैं कंफर्म नहीं था कि मैं जाऊंगा, लेकिन घर से जा रहा है इसलिए मुझे जाना पड़ा। वो है अयोध्या पहाड़ जो पुरुलिया में है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो यह बात, तो मेरा 2 दिन वेस्ट हो चुका है, कुछ कर भी नहीं सकता अभी। तो देखता हूँ गाइस, कुछ समथिंग प्लान करना पड़ेगा आज एंड जो भी हो सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा आज के आज ही या 1-2 दिन के अंदर ही। तो चलो स्टार्ट करता है आज के डे। गाइस मेरा डेस्क देख लो एक बार, कैसा हो के पड़ा है, सब ठीक ठाक करना होगा। सब उलझा हुआ है रूम में, अभी सब ठीक ठाक करना है। लेकिन आप लोग को दिखा रहा हूँ आज कितना ठंड है, मतलब बहुत ठंड है गाइस। देखो बाहर कितना फॉग है, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो कितना फॉग है। तो देखता हूँ, ये तो लगा ही ठीक है। ठंड की वजह से मैं सोच रहा हूँ आज डेस्क में ना पढ़ूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रहा है मुझे। देखता हूँ ना, बेड पे पढ़ने का सोच रहा हूँ एंड देखता हूँ गाइस, नींद तो नहीं आएगा क्योंकि मैं अभी उठा हूँ सोके। तो चलो देखता हूँ क्या होता है। तो गाइस देख सकते हो किसी तरह से जुगाड़ लगा ही दिया बेड पे लाइव स्ट्रीम करने का। ये देखो कैमरा, तो कैमरा मतलब फ़ोन ही है एंड बाकी सब कुछ जो मैं लेके आ चुका हूँ। आज देख सकते हो मैं कहाँ हूँ। तो चलो गाइस लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं एंड मेरा पढ़ाई भी। तो गाइस मेरा बेड का सेटअप तो देख लिया एंड मैं अभी फिजिक्स का लेक्चर करके उठा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1 सेकेंड 11:49 एंड मेरा लेक्चर डन। तो अभी मैं SSM का 5th लेक्चर किया एंड एक और लास्ट लेक्चर बाकी है। अभी मैं नाश्ता और ले लूँगा, देन लंच भी कर लूँगा, देन उसके बाद 1 बजे से फिर से स्टार्ट कर दूँगा। मतलब उससे पहले भी कुछ देखता हूँ क्या करना कर सकता हूँ मैं। एंड आज का मेरा टारगेट है मतलब SSM कंप्लीट करना, लास्ट लेक्चर बाकी है वो भी करना है। प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो एक लेक्चर हुआ है वो भी कंप्लीट करना है एंड उसके बाद तो देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। पहले कंप्लीट करूँ देन इसका स्टडी भी करना है, मतलब मुझे लेक्चर के बाद तो पढ़ना ही पड़ता है, समझ सकते हो। DPP भी सॉल्व करना है, वो भी करना है मुझे एंड ये सब करने के बाद देखता हूँ क्या क्या आज कंप्लीट कर पाता हूँ नाइट तक। एंड बेड में सेटअप एक बार और देख लो। क्या बताऊँ, मतलब पैर में दुख रहा है, मतलब हैबिट छूट गया है, फिर भी करना है कुछ नहीं, मतलब पढ़ना है जैसे भी हो, टेबल चेयर में हो एंड जहाँ पर भी हो पढ़ना है। टाइम नहीं है गाइस ज़्यादा, जितना हो सके पढ़ना है। तो चलो मैं जल्दी मतलब सावर ले लूँ एंड लंच भी कर लूँ, देन उसके बाद जितने जल्दी हो सके मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा टाइम तो 1 बजे है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरा लंच कम्प्लीट हो चुका है एंड मैं आ चुका हूँ मेरा बेड पे, मतलब जो पढ़ाई करना है अभी। एंड मैं अभी बायो करूँगा तो बायो लेके बैठ गया एंड लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट कर दूँगा। सो सारे सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलो गाइस मैं चला पढ़ाई करने, मतलब स्टडी। तो बायो प्लान को एंड डेवलपमेंट को 1st लेक्चर अभी करना है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं।
कंप्लीट हो चुका है। मैं लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद मैं मतलब एनसीईआरटी पे पढ़ लिया। एक डीपीपी दिखा मुझे तो मैंने सोचा डीपीपी कर लूँ, लेकिन देखा कि इस टॉपिक के अलावा भी कुछ अलग अलग टॉपिक का भी मतलब दूसरे वाले जो नहीं हुआ है उसका भी क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन किया जो इस टॉपिक का था एंड जो नेक्स्ट टॉपिक का था वो मैं छोड़ दिया, कल मैं कर लूँगा मतलब लेक्चर्स होने के बाद। तो अभी मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा, अभी टाइम हो रहा है 4:40 एंड लाइव स्ट्रीम पता नहीं गाइस ऑफ हो गया था चलते चलते, तो कुछ कर नहीं सकते, इंटरनेट का थोड़ा इशू था इसलिए। और गाइस जो मुझे बताना था मतलब टेस्ट सीरीज़ के बारे में मतलब रिविजन प्लान के बारे में मैं इस वीडियो में बात करना चाहता था, तो मैं बता दूँ कि मैं जो रिविज़न करने के लिए प्लान सोचा है वो है कि अभी तो एक इन बैच में मतलब एम आर सर एंड तरुण सर मतलब ऑल सर्स जितने भी सर्स हैं सारे रिविज़न प्लान बता रहा है, लेकिन मैं उसके मुताबिक करने जा रहा हूँ तो मेरा कुछ छूट जा रहा है, मतलब मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मेरा जो अभी का प्लान है कि कुछ दिन पहले जो PW का टेस्ट सीरीज़ रैंक का टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुआ है, 15 तारीख को फर्स्ट टेस्ट है 15 जनवरी को, तो उस टेस्ट सिलेबस मुताबिक मैं अगर टेस्ट देता रहूँ एंड रिविज़न करता रहूँ तो मेरा हो जा रहा है रिविज़न। मैं वही प्लान सोच के मैं कर रहा हूँ एंड रिविज़न कर रहा हूँ तो मेरा हो जा रहा है। सो मैं बेसिकली उस टेस्ट सीरीज़ को ही फॉलो करूँगा एंड जो एक इन बैच में टेस्ट चल रहा है उस टेस्ट को तो छोड़ना नहीं है, उस टेस्ट को तो देना ही है एंड उसके बाद रिविज़न के लिए बेसिकली मैं इस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ अभी, मतलब मैं ज्वाइन कर लिया है। आप लोग भी अगर इस प्लान को करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि प्लान बहुत अच्छा है रिविज़न के लिए। एंड अगर बैच के साथ जो सर बोल रहे थे मतलब ऐसे ऐसे करते रहो रिविज़न 1D 2D डेली लेक्चर शाम को आएगा देखते रहो एंड करो, तो अगर ये कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना ये सब खुद से भी कर सकते हो मतलब रिविज़न, तो पहले अगर पढ़ा हुआ है तो रिविज़न जल्दी हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, तो मैं ऐसे ही करूँगा। एंड गाइज टेस्ट सीरीज़ और भी बहुत सारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हुआ है, एलेन आकाश का एंड PW का भी शायद लॉन्च होगा, अभी नहीं लॉन्च हुआ है, तो अब अगर आप लोग चाहते हो तो रिविज़न करने के लिए बहुत सारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी है। एलेन का भी लॉन्च हुआ है शायद 22 जनवरी को फर्स्ट टेस्ट है, अगर उस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करते हो तो वहीं से भी रिविज़न कर सकते हो, फुल 11th का टेस्ट है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब यकीन में हूँ, तो एक इनके सिलेबस के साथ साथ मैंने इस सिलेबस में देखा तो थोड़ा मैचिंग है, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा मेरा एंड अच्छी तरीके से कंप्लीट भी कर सकता हूँ इस टेस्ट को अगर फॉलो करूँ, तो मेरा यही प्लान है, मैं इस टेस्ट सीरीज़ को ही फॉलो करूँगा और इससे ही करूँगा। आप लोग अगर चाहते हो तो ले सकते हो और अगर हो जा रहा है तो करने दो। तो गाइस पेट में पढ़ने का मज़ा आता है ठंड में, लेकिन नींद भी आ जा रहा है, ये तो कॉमन सी बात है। देखता हूँ, ज़्यादा देर बेड में नहीं रहूँगा, मैं फिर से चेयर टेबल में चला जाऊँगा, मतलब देखता हूँ क्या होता है। एंड मैं मेरे एक दोस्त के पास से पावर बैंक लेके आया था, मतलब घूमने जब गए थे और जब पहाड़ में बताया था, तो उसको अभी लौटाने जाना है क्योंकि वो शायद किधर जाने वाला है घूमने, तो मुझे अभी देने जाना है। 30 मिनट वेस्ट होगा अभी, देखता हूँ कुछ नहीं। तो गाइस मैं उसके देने के आने के बाद मैं फिर से अपना स्टडी कंटिन्यू करता हूँ, मुझे एक लेक्चर सिर्फ बाकी है एंड उसके बाद सिर्फ फिजिक्स का पढ़ाई करना बाकी है, यही आज का टारगेट था, तो वही करने के बाद मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। वीडियो यहीं और स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना एंड कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई तो देता हूँ। तो चलो गाइस बाय बाय।